हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल में देखकर ही पता चल गया होगा कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन बंदों के लिए है जिनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया है, या आप कह सकते हैं जिनके चैनल को 12 महीने से ऊपर हो गए हैं और उन्हें कोई भी अर्निंग नहीं हुई है, या फिर उनके सब्सक्राइबर और वॉच टाइम नहीं बढ़ा है। तो फ्रेंड्स, आप अपने चैनल को डिलीट कैसे करें? तो फ्रेंड्स, उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाई गई है कि आप अपने यूट्यूब चैनल को कैसे डिलीट कर सकते हैं, वो भी परमानेंट के लिए। और फ्रेंड्स, आप एक यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हो, मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं अपने मेन ब्राउज़र पर। फ्रेंड्स, आपको सिंपली अपने मेन ब्राउज़र पर आ जाना है। फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास क्रोम ब्राउज़र है तो मैंने क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया है। यदि आपके पास कोई और ब्राउज़र है तो आप उसे भी ओपन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे पहले नोट करने वाली बात यह है, आपके मेन ब्राउज़र में कौन सी ईमेल आईडी लॉगिन है। फ्रेंड्स, आपको वही ईमेल आईडी ब्राउज़र में लॉगिन रखनी है जिसका आप यूट्यूब चैनल डिलीट करने वाले हो। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं इस ईमेल आईडी का यूट्यूब चैनल डिलीट नहीं करने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको अब अदर ईमेल आईडी लॉगिन करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, आपको किस तरह जाना है, आपका जो ईमेल आईडी का फोटो आ रहा है आपको उस पर क्लिक करना है। और फ्रेंड्स, आपको दोबारा अपनी ईमेल आईडी पर ही क्लिक करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी अकाउंट आपके लॉगिन होंगे डिवाइस में वो सभी आ जाएंगे। और आपको फ्रेंड्स सबसे नीचे पहले साइन आउट पर क्लिक करना है, जिससे कि जो आपकी पहले आईडी लॉगिन है वो साइन आउट हो जाए, और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी कोई सी भी ईमेल आईडी अब लॉगिन नहीं है। और फ्रेंड्स, आपको फिर दोबारा साइन इन पर क्लिक करना है। और फ्रेंड्स, जब आप साइन इन पर क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पे एक अपना अकाउंट चमकेगा, आपको साइड में उसमें एरो चमकेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और फ्रेंड्स, आपके जितने भी अकाउंट लॉगिन होंगे वो सभी यहाँ पे आ जाएंगे। जिस भी अकाउंट का आप यूट्यूब चैनल डिलीट करने वाले हैं आप उसे सिलेक्ट कर लेना है। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरी ये जो ईमेल आईडी है इसका मैं आज यूट्यूब चैनल डिलीट करने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। और फ्रेंड्स, फिर आपको यस आई एम इन पर क्लिक कर देना है कोने पर। और फ्रेंड्स, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो यूज़र के नीचे अब मेरी ईमेल आईडी आ चुकी है, क्रोम ब्राउज़र में वो प्रॉपर तरीके से लॉगिन हो चुकी है। तो अब सिंपली मैं बैक कर दूंगा। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मेरी ईमेल आईडी की इमेज आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब आपको सिंपली गूगल सर्च बार में टाइप करना है यू ट्यूब, और फ्रेंड्स सर्च कर देना है। फ्रेंड्स, जब नेक्स्ट पेज लोड हो जाए तो फ्रेंड्स आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है यूट्यूब, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, जैसा कि मैं कर चुका हूँ। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब खुल चुकी है। फ्रेंड्स, आपको सिंपली ऊपर राइट कोने में थ्री डॉट चमकते होंगे, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और फ्रेंड्स, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके डेस्कटॉप साइट को चुन लेना है। फ्रेंड्स, डेस्कटॉप साइट चुनने से फ्रेंड्स ये फ़ायदा होता है कि आपका ब्राउज़र उस तरह से खुल जाता है जैसे एक पीसी में खुलना चाहिए। फ्रेंड्स, पीसी से मेरा मतलब है पर्सनल कंप्यूटर, या आप डेस्कटॉप भी बोल सकते हो। फ्रेंड्स फ्रेंड्स, जब साइट प्रॉपर तरीके से खुल जाए तो आपको सिंपली थोड़ा जूम करना है, जैसे कि मैं कर दे रहा हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ऊपर राइट कोने पे ऊपर आपकी ईमेल आईडी का फोटो आएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे कि मैं कर चुका हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे सेटिंग का, तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे सेटिंग पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, जब आप सेटिंग पर क्लिक कर देंगे तो आपको सिंपली जूम आउट करना है, जैसा कि मैं कर चुका हूँ। और फ्रेंड्स, आपको फिर लेफ्ट की तरफ ये इधर जूम करना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सबसे नीचे एडवांस सेटिंग का, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, जैसे कि मैं कर चुका हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एडवांस सेटिंग है वो सिलेक्ट हो चुकी है। अब आपको सिंपली थोड़ा सीधा कर लेना है, जो सामने आपके पेज खुल के आया है फ्रेंड्स आपको वहाँ पर देखना है। और आपको सबसे नीचे मिलता है डिलीट चैनल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, जब आप डिलीट चैनल पर क्लिक कर देंगे एक बार गूगल आपको कंफर्मेशन के लिए आपका पासवर्ड मांगेगा। जिस भी ईमेल आईडी का आप यूट्यूब चैनल डिलीट करने वाले हैं वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे शो होगी, क्योंकि मैंने पहले ही लॉगिन करवा ली थी। और अब यहाँ पे आपको उसी ईमेल आईडी का पासवर्ड डाल देना है, जैसे कि मैं डाल देता हूँ। फ्रेंड्स, जब ईमेल आईडी का पासवर्ड डल जाए तो आपको नीचे शो पासवर्ड पर क्लिक करके एक बार पासवर्ड चेक कर लेना है, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से सही होना चाहिए जब भी आपका
यूट्यूब चैनल डिलीट होगा, इसलिए आपको चेक कर लेना है। और फ्रेंड्स फिर सिंपली आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, जैसे कि मैं कर चुका हूँ। फ्रेंड्स जैसे कि मेरा अगला पेज लोड हो चुका है, आपको सिंपली मैं जूम करके दिखा दूंगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नीचे दो ऑप्शन मिलते हैं, आई वांट टू हाइड माय चैनल फ्रेंड्स, क्योंकि हमें हाइड नहीं करना, हमें परमानेंटली डिलीट करना है। और आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है, आई वांट टू परमानेंट डिलीट माय कंटेंट। फ्रेंड्स आपका कंटेंट भी और चैनल दोनों ही डिलीट हो जाएंगे, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। नीचे वाले ऑप्शन पर यहाँ साइड में एरो आता है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और फ्रेंड्स अपनी सहमति देने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। और फ्रेंड्स इसमें सब कुछ लिखा है, आपकी 18 सब्सक्राइबर, जो भी आपकी डिटेल है यूट्यूब चैनल की, वो सभी यहाँ पर आ जाएगी। और आपका जो कंटेंट है फ्रेंड्स, वो भी डिलीट हो जाएगा परमानेंट के लिए। इस चीज़ को ध्यान रखें, यहाँ पर नीचे लिखा है डिलीट माई कंटेंट, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स क्योंकि आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको लैंडस्केप मोड में दिखाता हूँ। फ्रेंड्स जैसे कि आपको अब फ्रेश तरीके से दिख रहा होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है आई वांट टू परमानेंटली डिलीट माई कॉन्टैक्ट फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले भी आपको पढ़ के दिखा दिया था। और फ्रेंड्स मैंने अब यहाँ पे नीचे सबसे नीचे जैसे कि आपको टिक भी लगवा देता, और अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा डिलीट माई कॉन्टेंट पर। और फ्रेंड्स यहाँ पे कन्फर्मेशन के लिए आपको यही ईमेल आईडी यहाँ पे नीचे टाइप कर देनी है, जैसे कि मैं कर दे रहा हूँ। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने कन्फर्म के लिए यही ईमेल आईडी जो कि ऊपर लिखी है यही नीचे डाल दी है। और अब मैं सबसे नीचे यहाँ पे राइट की तरफ यहाँ पे लिखा है डिलीट माई कंटेंट, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। फ्रेंड जैसे कि मैं कर चुका हूँ, और फ्रेंड्स मेरे को एक मैसेज आ चुका है, रिमूव यूट्यूब कंटेंट, योर कंटेंट इज़ बीन डिलीटेड। फ्रेंड्स मेरा जो चैनल है वो भी डिलीट हो चुका है, ये लिखा नीचे, योर कंटेंट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ बीन परमानेंटली डिलीटेड, यूजली दिस टेक ए फ्यू मिनट्स बट कैन टेक अप टू ए कपल ऑफ डेज इफ यू हैव ए लॉट ऑफ कंटेंट। फ्रेंड्स मेरा जो चैनल है फ्रेंड्स, वो परमानेंटली डिलीट हो चुका है, मैं आपको बैक करके दिखाऊंगा एक बार। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने यहाँ पे भी लिख के आ चुका, योर डू नॉट हैव एनी यूट्यूब डाटा। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा कोई डाटा भी नहीं बचा, और मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं बचा। आपको आप एक बार ईमेल आईडी का लोगो देख सकते हो, और आपको मैं थोड़ी सी ईमेल आईडी भी दिखा देता हूँ, और मैं आपको प्रूफ के लिए, या आप कह सकते हैं सबूत के लिए, दिखाने के लिए कि फ्रेंड्स मेरा YouTube चैनल डिलीट हो चुका है, उसके लिए मैं आपको YouTube पर लेके चलता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली होम प्रेस कर दूंगा। फ्रेंड्स जैसा कि मैं होम प्रेस कर चुका हूँ, अब मैं सिंपली आपको अपने YouTube पर लेके चलूंगा। ये रही मेरा YouTube। फ्रेंड्स जैसे कि आपको ऊपर राइट कोने में आपको अपनी ईमेल आईडी का लोगो चमकेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पे डिजिटल टॉपिक के साइड में एरो आ रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अभी फ्रेंड्स सर्च हो रहा है, और फ्रेंड्स सबसे ऊपर जो मेरी ईमेल आईडी है, आपको जो लोगो चमक रहा है फ्रेंड्स, आपको सुमित कुमार के नीचे यहाँ पे लिखा होगा नो चैनल, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा जो चैनल है वो डिलीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स आप सिंपली ये कुछ स्टेप्स फॉलो करके आप अपने यूट्यूब चैनल को डिलीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये उन सभी बंदों के लिए जिनके 12 महीने का टाइम देती है यूट्यूब, और आपके सब्सक्राइबर और वॉचिंग टाइम नहीं बढ़ पा रहा, तो फ्रेंड्स आप सिंपली अपने यूट्यूब चैनल को डिलीट करके एक बार फिर दोबारा क्रिएट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करें फ्रेंड्स, उसकी वीडियो मैं पहले ही आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आप किस प्रकार अपने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं, वो भी फुल डिटेल के साथ। और फ्रेंड्स मैंने आधार कार्ड से रिलेटेड, पैन कार्ड से रिलेटेड और ईमेल आईडी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज डाल चुका हूँ फ्रेंड्स मैं यूट्यूब पर, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके हमारे वीडियो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स हमने एक ईमेल आईडी बनाई है, help.digitaltopic@gmail.com, वो फ्रेंड्स आप ही के सपोर्ट के लिए, आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।